दोस्तों सुबह सुबह नहा धोकर तैयार और जयपुर का दृश्य आप देख रहे हैं, शहीद स्मारक घेरा सामने, और मैं और मेरे साथी भंवरलाल जी रोहिड़ा, हम दोनों साथ में साथ बनेंगे, साथ जिएंगे, जन्म जन्म का वादा है दोस्तों। हम जब भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, तो वहाँ मेरा भाई और हम सब साथ में रहते दोनों, और मुझे मेरे अजीत और प्रिय लाडले हमारे महोदय गोविंद जी तो साथियों एक दिन की कार्यशाला है, आज जयपुर की कार्यशाला में हमको वो भाग लेना है, और यहाँ गाड़ी बहुत स्पीड से आती है, आप जानते हैं, इधर देखो तो गाड़ी आ जाए, उधर देखो तो गाड़ी आ जाए, इसलिए यहाँ पे भागना पड़ता है। और हम वहाँ पे जा रहे हैं, सामने गुरुद्वारा है, जहाँ पे नाश्ता पानी करेंगे, सुबह सुबह वहाँ नाश्ता अच्छा मिलता है, इसीलिए हम दोनों नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, गुरुद्वारा तो वो देखिए मेरे पीछे गुरुद्वारा, मजा आएंगे, और दोनों भाई नाश्ता करेंगे, थोड़ा पाँव डाल देंगे, तो फिर उसके बाद में और नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद में हमको दुर्गापुरा जाना है, यहाँ बैठक में भाग लेंगे दोनों भाई, और मजदूरों के हितों की बात करनी है, उसके लिए बात करेंगे। लेकिन अभी हम जयपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं, गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है भाई, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। हाँ बाबू जी, भाई साथियों, अलाउद्दीन मजदूर संगठन के अध्यक्ष, देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, देखो है, नाम ओम टावर है, ओम टावर, और शहीद स्मारक के पास में है, और हमें आए दिन यहाँ पे इसी शहीद स्मारक पे धरने पे बैठे हैं, आरावली संगठन में सारे संगठन यहाँ राजस्थान के, तो यहीं से अपनी आवाज़ वहाँ विधानसभा तक जाती है। तो साथियों अब हम पहुँचने वाले हैं, वैसे हमारी बहुत बड़ी फौज आती है, लेकिन आज हम दोनों साथी से हम यहाँ तैयार करके देंगे, फिर फौज को लेके आएंगे, हाँ तैयार करने आए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में नए जोश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार हम वाहेगुरु जी का यहाँ पे नाश्ता करेंगे, अमरपुरा जल मंदिर पे जाएंगे, जहाँ पे नाश्ता करेंगे। ये पीछे नाश्ता करेंगे हम मंदिर में।